हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन चैनल ऑफ स्कूल। इन दिस वीडियो वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। गिवन दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, हमें ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ए बी क्या है, हमारा डायमीटर है। ओके, हुज सेंटर इज 2-3, इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2-3 एंड बी इज 1-4। बात समझ में आया कि हमें करना क्या है, कि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द ऑफ ए, और ए बी क्या है हमारा डायमीटर है, और बी क्या है, बी का कोऑर्डिनेट गिवेन है और सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवेन है। बात समझ में आ रही है, तो हमें फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ओके, हमें ए के देखिए आपका एक सर्कल है आपका, और यहाँ से हमें ए और बी आपका क्या एक डायमीटर है, और डायमीटर क्या होता है कि पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास आउट होगा। बात समझ में आया, और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है कि बी का जो कोऑर्डिनेट हमने राइट किया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट हमने लिखा, ए का जो कोऑर्डिनेट है यही हमें फाइंड करना है। बात समझ में आया, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्स वाई ऑफ ए इज एक्स वाई, हमने इसको एक्स वाई सपोज किया। बात समझ में आया, और यहां से हमने इसको सपोज कर लेते हम लोग, यहाँ पे एक्स टू वाई टू है हमारा, ये हमारा क्या है एक्स वन वाई वन, ठीक है ना, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, यहाँ मैंने सपोज किया इसकी वैल्यू। ये जो है आपका सेंटर है, तो जानते रहे ना कि सेंटर क्या होता है आपका, जो सेंटर होता है किसी भी डायमीटर का, सेंटर जो होता है डायमीटर का है आपका, जो पॉइंट सेंटर होगा उसका मिड पॉइंट होगा, उस डायमीटर क्या होगा मिड पॉइंट। तो ध्यान देना ये बात, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इन सर्कल सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, जो आपका सर्कल में क्या होता है कि जो आपका सेंटर है वो डायमीटर का क्या होता है आपका मिड पॉइंट होता है। बात समझ में आया, जो डायमीटर है हमारा और ये जो आपका सेंटर है, ठीक है, इस डायमीटर का क्या है आपका मिड पॉइंट होता है, क्लियर। अब जब ये मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे देखो मिड पॉइंट फाइंड है, और एक पॉइंट यहाँ पे फाइंड है, और एक जो एंड पॉइंट यहाँ पे है इसका नहीं फाइंड है, इसका मतलब जो आपका मिड पॉइंट है इन दोनों के फार्मूले से हम कल निकाल सकते हैं, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट। ओके, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, और फार्मूला क्या होता है हमारा, जैसे हम यूज करेंगे 2-3 है ना, 2-3 इक्वल टू क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो एक्स प्लस वन बाई टू मिड पॉइंट फाउंड क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, तो यहाँ से क्या होगा एक्स वन मीन्स क्या, एक्स प्लस वन बाई टू, और दूसरा क्या होगा वाई वन, मतलब वाई प्लस फोर बाई टू। ओके, ये हमने मिड पॉइंट फार्मूला से इसको फाइंड किया, ये रिलेशन मिल रहा है आपका। अब देखो अगर ये जो पॉइंट है आपका इसके इक्वल होगा नहीं, तो ऑन कंपेयरिंग जैसे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, टू इक्वल एक्स प्लस वन बाई टू, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू टू इंटू टू दैट मीन फोर, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4-1, इसका मतलब क्या 3, ठीक है ना, एक्स प्लस वन 4 इक्वल टू, माइनस होगा आपका, तो एक्स इक्वल टू का 4-1 तो एक्स इक्वल टू 3, एंड जो सेकेंड आपका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -3 इक्वल टू क्या होगा वाई प्लस 4 बाई टू, ठीक,
यहाँ से मिल जाएगा माइनस थ्री इक्वल टू वाई प्लस फोर बाई टू। ठीक, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरफ क्या होगा माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स वाई प्लस फोर इक्वल टू क्या होगा माइनस सिक्स वाई प्लस फोर, इस तरफ आएगा और इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा आपका माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई इक्वल टू माइनस सिक्स, ये इस तरफ आ गया होगा माइनस फोर, तो वाई इक्वल टू क्या होगा आपका बोलो माइनस टेन। बात समझ में आया? तो जो आपका ए का क्वांटिटी क्या है आपका यक्स वाई ने सपोज किया था, यक्स क्यों लिखना है थ्री और वाई क्यों लिखना है माइनस टेन, देयरफोर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा आपका थ्री माइनस टेन। ओके, ये आपको फाइंड करना था, बस मैं नहीं कैसे फाइंड करेंगे। ओके, इन क्वेश्चन नंबर एट, गिवन दैट इफ ए एंड बी आर, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज माइनस टू एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज टू माइनस फोर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ए और बी का जो कोऑर्डिनेट्स है एक गिवेन है आपका, ए का कोऑर्डिनेट कितना है माइनस टू एंड बी टू माइनस फोर, एंड गिवेन दैट, ये तो आपका गिवेन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, और ये कंडीशन दिया यहाँ पे, गिवेन दैट सच दैट ए पी इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन ए बी, ए पी इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन ए बी एंड पी, पी क्या है कहाँ पे है, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइक कहाँ कर रहा है वो आपका ए बी के ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, थोड़ा ए बी बनाते हैं यहाँ पे, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे फिगर, ये आपका ए बी है ए बी। ओके, अब पी पॉइंट कहाँ पे है इसे क्लियर नहीं हो रहा है आपका, तो यहाँ से देखते हैं थोड़ा, गिवेन ए का जो कोऑर्डिनेट है आपका यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस टू, बी का कोऑर्डिनेट कितना है आपका टू माइनस फोर माइनस टू, गिवेन क्या है आपका, गिवेन दैट ए पी इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन ए बी। ओके, इस तरह ए बी इधर लाते हैं, थोड़ा रेसिपी देखते हैं यहाँ पे, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन, थ्री अपॉन सेवन मतलब आपका ए बी अगर क्या है सेवन है, तो ए पी क्या आपका थ्री, तो यहाँ पे जो ए बी है आपका, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से ए बी कितना है आपका सेवन है, और यहाँ पे जो पी आपका पी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है आपका, ये कितना है आपका ए पी थ्री, ए पी कितना है आपका थ्री है। बात समझ में आया? ध्यान दो, जो कंडीशन दिया था ए पी अपॉन थ्री अपॉन सेवन ए बी, ए पी और इस ए बी आपका मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या होगा डिवाइड होगा, तो रेशियो फाइंड हो जाए आपका ए पी अपॉन ए बी थ्री अपॉन सेवन। ओके, जो आपका ए पी और ए बी में जो रेशियो है कितना है थ्री अपॉन सेवन का, तो हमने यहाँ पे देखो इसका रेशियो यहाँ पे ए बी कितना है सपोज का सेवन है और ए पी कितना है आपका थ्री, तो यहाँ से पी बी निकल सकता नहीं, पी बी का वैल्यू कितना होगा यही फाइंड कर लें, तो यहाँ पे यम वन हो जाएगा, ये यम टू हो जाएगा आपका, तो ये हमने सपोज के लिए यम वन है आपका। ठीक, तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, पी बी, और पी बी क्या होगा आपका ए बी माइनस, ए बी माइनस क्या होगा सेंस ए पी बी इक्वल टू क्या होगा ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी, तो ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो पी बी इस टोटल में से अगर ये माइनस कर दे, टोटल वैल्यूम से ये माइनस करेंगे बचेगा नहीं आपका, तो ये आपका ए पी माइनस होगा यहाँ से, और ए बी कितना है आपका सेवन माइनस ए पी, ए पी कितना है थ्री आपका, यहाँ से देख लो थ्री आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा फोर, मतलब पी बी क्या है आपका फोर, हमने इसको क्या मानेंगे हम लोग एम टू, एम टू इक्वल टू फोर। बात समझ में आया? अब देखो पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमें, तो पी के कोऑर्डिनेट में क्या फाइंड लिख लेंगे एक्स वाई। ठीक, लेट
द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज एक्स एंड वाई, एक्स वाई। और देखो ये जो आपका पी एक्स वाई है इसको किस रेशियो में डिवाइड करा है, थ्री एंड फोर में, बात समझ में आया। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो एक्स वाई इक्वल टू फार्मूला क्या आपका, यम वन एक्स टू प्लस यम टू एक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू, और दूसरा क्या होता है आपका यम वन वाई टू प्लस यम टू एक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू, ये फार्मूला है आपका। तो ये आपका जो है आपका क्या है, एक्स वन वाई वन, और ये क्या है हमारा एक्स टू वाई टू, बात समझ में आई नहीं। अब सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको कैलकुलेट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लें, वो क्या है हमारा पी का कोऑर्डिनेट है, बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे यम वन की वैल्यू कितना है आपका थ्री, यम टू कितना है आपका फोर, और एक्स वन कितना है आपका माइनस टू, और नहीं एक्स टू कितना है आपका टू, और कितना है आपका एक्स वन कितना माइनस टू। ऐसे ही वाई वन वाई टू सबका वैल्यू यहाँ पर रख के इसे कैलकुलेट करके आप कोऑर्डिनेट पी का फाइंड कर लेंगे। ओके, थैंक यू।